नमस्कार, हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रोहतक विधानसभा सीट की। रोहतक विधानसभा सीट की चर्चा इसलिए भी जरूरी हो गई है क्योंकि 3 दिन पहले पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने ऐलान कर दिया कि वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि उनके परिवार से भी कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन अगले ही दिन वो अपने फैसले से पलट गए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब चर्चाएं ये हैं कि या तो मनीष ग्रोवर को अपनी टिकट पर संशय नजर आ रहा था या फिर वो मैदान छोड़ने की प्लानिंग में इसलिए थे ताकि युवा पीढ़ी आगे आ सके। इसको लेकर के सियासी हलकों में अलग तरह की चर्चाएं हैं। कांग्रेसी लगातार उन पर इसलिए प्रहार कर रहे हैं वो क्योंकि लोकसभा चुनाव में शहर में दीपेंद्र हुड्डा जीत गए थे। कांग्रेसियों को मौका मिल गया है कि दीपेंद्र मैदान इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें जीत की उम्मीद नहीं थी। आज हम इसी से चर्चा करेंगे हरिभूमि के रोहतक के प्रभारी मनोज वर्मा से कि असल में हुआ क्या है। इसके अलावा चर्चा का विषय यह भी रहेगा कि रोहतक सीट पर इस विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। भाजपा की तरफ से कौन मैदान में आ सकता है, कांग्रेस की तरफ से कौन मैदान में आ सकता है और रोहतक सीट का इतिहास क्या रहा है, रोहतक सीट किधर जाती रही है, किसे जिताती रही है, किसे हराती रही है। तो वर्मा जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि ग्रोवर के मामले में क्या था, सच्चाई क्या थी? ये बिल्कुल ताज़ा तरीन मामला है मनीष ग्रोवर का। अब इन्होंने जैसे अभी आपने बताया कि या तो ग्रोवर को अपनी टिकट पर संशय था जी, या वो किसी युवा को आगे लाना चाहते थे। इसमें दो बातें हैं, भाजपा संयमित पार्टी मानी जाती है, सभी को पता है, लेकिन अंदर खाने खाली रोहतक विधानसभा सीट पे नहीं, सभी जगह अंदर खाते हर विधानसभा सीट में बहुत सारे दावेदार हैं, लेकिन अन्य पार्टियों की तरह भाजपा में कोई खुल के एकदम फ्रंट पे नहीं आना चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा या मुझे टिकट दो। भाजपा में भी अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चला हुआ है, कोई भी खुल के सामने नहीं आ रहा है कि मुझे टिकट दो। इसकी ही भनक या फिर भनक कह लो या अंदेशा कह लो, अंदाजा कह लो कि मनीष ग्रोवर को ये था कि अंदर खाने ना उनकी टिकट पर संशय हो सकता है क्योंकि दावेदार बहुत हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या उनको लग रहा था, क्योंकि टिकट के दावेदारों में अगर हम देखते हैं तो पूर्व मेयर हैं मनमोहन गोयल, वो टिकट चाह रहे हैं, राजू सहगल डिप्टी मेयर थे वो टिकट चाह रहे हैं, या पूर्व पार्षद थे अशोक चौधरी, वो टिकट के दावेदार हैं। क्या आपको लग रहा है कि मनीष ग्रोवर को छोड़ करके जो लगातार चुनाव लड़ते आ रहे थे, पिछला चुनाव भी हार गए थे, उनको छोड़ करके भाजपा किसी और पर दाव खेल सकती है? ये बात आपकी तो अभी फिलहाल ठीक है कि दावेदार बहुत हैं, मनमोहन गोयल जी भी हैं, मेयर रहे हैं जी, अच्छे खासे वोट से जीते भी थे जी, सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल राजू सहगल भी हैं जी, अशोक खुराना जी भी हैं जी, लेकिन इसमें ना एक सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता क्योंकि जिस समय भाजपा का कोई नाम लेने वाला नहीं था जी, जिस समय भाजपा की टिकट मांगने तो क्या भाजपा का टिकट देती तो वो कोई टिकट लेने वाला नहीं था। उस समय से ग्रोवर भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं जी, 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं, हारे भी हैं, 1 बार जीते हैं, मंत्री बने हैं जी। उनका दावा खुद में एक मजबूत बनता है उनका दावा कि टिकट नहीं मिलनी चाहिए जी, लेकिन सियासत है, पार्टी क्या सोच रही है, किसी और को आगे लाया जाए क्योंकि 5-6 बार चुनाव लड़ चुके हैं जी, तो ये तो अभी आने वाला समय बताएगा कि टिकट किसके खाते में जाने वाली है। नहीं, पीछे से चर्चाएं लगातार ये थी कि उनके बेटे हिमांशु ग्रोवर ने लगातार कई फ्लैक्स लगाए, समाज सेवी हिमांशु ग्रोवर हो गए, तो लगातार ये चर्चाएं आ रही थी कि मनीष ग्रोवर अपने बेटे को आगे करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि मेरे परिवार से भी कोई नहीं लड़ेगा। भाजपा में ये है कि भाजपा क्या, पहले हम मनीष ग्रोवर जी की बात कर लेते हैं, बीच में हिमांशु ग्रोवर को सामाजिक रूप से सक्रिय किया गया था, जब मनीष ग्रोवर जी को प्रदेश उपाध्यक्ष का पद मिला था तो वो वहां पे व्यस्त थे, तो हिमांशु ग्रोवर को सामाजिक रूप से सक्रिय किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने, विपक्ष कह लो या पार्टी के कुछ लोग कह लो, उन्होंने ये बात चलाई थी कि मनीष ग्रोवर ये चाहते हैं कि उनकी जगह हिमांशु ग्रोवर चुनाव लड़े जी। लेकिन इन सभी चर्चाओं पे, इन आशंकाओं पे मनीष ग्रोवर ने
स्टॉप लगा दिया था पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ना तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ ना ही मेरे परिवार से कोई चुनाव लड़ रहा है। हिमांशु ग्रोवर का ये रोल है अभी तक का। नहीं, अगर रोहतक का इतिहास देखेंगे, 7 बार कांग्रेस पार्टी जीती है, 4 बार जनसंघ जीता है, 3 बार भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी की ओर से मंगल सेन एकमात्र दावेदार होते थे, वो लगातार जीतते रहे यहाँ से। तो अब जो मिजाज है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसको भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। पिछली बार 75 पार के नारे के बावजूद वो कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने में खासे कामयाब रहे थे, हालांकि अंतर नाम मात्र का ही था, लेकिन वो सीट कांग्रेस की झोली में चली गई थी। तो अब आपको क्या तस्वीर नजर आती है? अब तस्वीर की बात करें तो रोहतक विधानसभा में मंगल सेन का खासा प्रभाव रहा है जी। 7 बार विधायक बने हैं और वो विधायक भी उस टाइम बने हैं जब भाजपा का बहुत ज्यादा जनाधार नहीं होता था जी, रोहतक में या हरियाणा में। तो ये तो कहना गलत नहीं होगा कि रोहतक विधानसभा सीट पर भाजपा का, जनसंघ का, फिर बाद में भाजपा बनी है, उनका काफी प्रभाव रहा है। बाद में जब मुख्यालय भी है प्रदेश मंगल कमल कार्यालय यहाँ है, मुख्यालय भी है, सभी रणनीति यही से तय होती है भाजपा की, प्रदेश की। लेकिन जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जब कांग्रेस सरकार आई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाया गया था, तो तभी से वो सीएम सिटी रोहतक, सीएम सिटी रोहतक ऐसे करके ना, तो ये इस पर रोहतक विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा चला हुआ था कई साल से जी। पहले शादीलाल बत्रा से ग्रोवर हारे थे, 2 बार हारे थे, फिर बीबी बत्रा से, अभी 2014 में मनीष ग्रोवर जीते थे, उनको मंत्री भी बनाया गया था। अभी जो अगर 2024 के चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखें तो रोहतक शहर ने अरविंद शर्मा को कोई कम वोट नहीं दिए, अच्छे खासे वोट दिए हैं। और इस रोहतक शहर में जो पंजाबी जो वोटर्स हैं वो 70,000 से ज्यादा हैं, उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। कांग्रेस के उम्मीदवार भी पंजाबी जो समाज है उसी से होते हैं। तो अब जो आने वाले जो 2024 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें रोहतक जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उनके रिजल्ट को आप झुठला नहीं सकते हो कि किस तरह दीपेंद्र हुड्डा को भी अच्छे खासे वोट मिले हैं लेकिन भाजपा को भी अच्छे वोट मिले हैं। तो आने वाले समय में हम परिणाम तो कब क्या बताएं, लेकिन पलटाना चुनाव ये आसान नहीं होगा, ना भाजपा के लिए आसान होगा ना ही कांग्रेस के लिए आसान होगा ये चुनाव। रोहतक विधानसभा सीट की जातीय गणनाकरण की बात कर लेते हैं। रोहतक शहर पूरी तरह पंजाबी डोमिनेट माना जाता है, रोहतक शहर से पंजाबी विधायक बनता रहा है, लगभग 70,000 वोट पंजाबी समुदाय के हैं। दूसरा नंबर आता है जाट समुदाय का, 37,000 वोट, एक भारी भरकम संख्या है जाट समाज की यहाँ पे। तीसरा नंबर आता है सैनी समाज का, सैनी समाज के भी 8,000 के आसपास वोट हैं, और महाजन समुदाय के जिससे मनमोहन गोयल आते हैं उनके भी 19,000 के आसपास निर्णायक भूमिका निभाता है वोट है महाजन समुदाय, और ऐसी जातियों के जो वोट हैं वो 10,000 के आसपास हैं। तो पंजाबी बहुबल सीट है, लेकिन हुड्डा जाट कैटेगरी का होने के बावजूद पंजाबियों पे पकड़ बनाए हुए हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये आप ये नहीं कह सकते कि हुड्डा जाट बिरादरी से या जाट समुदाय से होने के कारण ये पंजाबी। एक्चुअली में क्या है कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी थी, अब आप देख रहे होंगे उनके जो कैंडिडेट हैं वो तो सारे पंजाबी समुदाय से हैं, रोहतक से जी। तो इसलिए उन्होंने ना, और खुद वो गढ़ी सांपला किलोई से विधायक हैं, पहले भी रहे बुधवार। अच्छा, इनका पकड़ का कारण ये है कि कभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब सीएम भी बने हैं तो उन्होंने कभी भी रोहतक को अनदेखा नहीं किया है। आप अगर आज भी रोहतक में चले जाएंगे तो हर गली में, आपके हर मोहल्ले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आना जाना है। उसमें ये खाली पंजाबी समुदाय की बात नहीं है, हर समुदाय में उनका आना जाना है, दुख में सुख में सभी तरह से। तो इसलिए, और जो पंजाबी समुदाय उसको काफी अच्छा महत्व भी देते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस की टिकट है क्या बीबी बत्रा ही लड़ेंगे या और भी दावेदार है? अब की बार ना कांग्रेस की टिकट पर भी हल्का सा संशय बना हुआ है, क्योंकि पिछले 10 साल से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता रोहतक से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं।
जी, नाम 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 अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो अच्छा खुल के तो वो बता नहीं रहे हैं, जैसे हेमंत बख्शी जी हैं जी, वो भी वरिष्ठ नेताओं में शामिल है, गुलशन ईस पुनियानी जी हैं, एक गुलशन ईस पुनियानी पार्षद हैं जी, एक अभी पीछे आए थे कृष्ण छाबड़ा जी हैं, उन्होंने जनसभाएं भी की, बल्कि जनसभाओं में ये भी कहा कि टिकट अब की बार उनको मिलनी चाहिए, तो ऐसे कई दावेदार हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी फिलहाल 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस बीवी बत्रा का टिकट काटेगा। नहीं, अब की बार क्या आपको लगता है कि मुकाबला त्रिकोणिया या आम आदमी पार्टी बार बार चुनाव लड़ने की बात कह रही है, जसपा लड़ रही है या फिर इनेलो भी मैदान में आएगी, तो मुकाबला त्रिकोणिया हो सकता है या फिर सीधा कांग्रेस और भाजपा में ही होगा? पंडित जी आपको बात बता दूं, 1952 से लेके जब से ये सीट बनी है तब से मुकाबला भाजपा और कांग्रेस का ही रहा है। यहाँ पे पहले जनसंघ था, भाजपा नहीं थी जी, मुकाबला रहा है भाजपा और कांग्रेस में। अभी तो बिल्कुल बिल्कुल पलटा हुआ माहौल है, आम आदमी पार्टी आई है। नहीं, आप ये बात नहीं कह सकते, हरियाणा विकास पार्टी से सेठ किशन दास जी जीते थे, उन्होंने तो पलटा था एक बार जी, लेकिन अधिकतर बार ना कांग्रेस भाजपा जनसंघ ऐसे रहा है। तो अभी आम आदमी पार्टी नई नहीं आई है, लवलीन टुटेजा जी उनके जो दावेदार बताए जा रहे हैं रोहतक लोकसभा सीट से, वो रोहतक विधानसभा सीट से जी, इनेलो का यहाँ कोई खास, जब से उन्होंने रोहतक लोकसभा सीट छोड़ दी थी ताऊ जी ने, देवीलाल जी ने, तो उसके बाद से इनेलो खास यहाँ पे कोई वो रहा नहीं है। पिछले चुनाव में भी आपने देख लिया होगा कोई कैंडिडेट भी इतना हैवी सा कैंडिडेट उनका नहीं होता है। इनेलो की और ये जजपा बनी थी, ये इनका भी कोई खास सा रोल इस चुनाव में नहीं रहने वाला है रोहतक विधानसभा से। तो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होगा ये कन्फर्म। आपने देखा रोहतक की तस्वीर क्या कह रही है, क्योंकि एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुकाबला होने जा रहा है, कांग्रेस और भाजपा इसकी तैयारी में भी लगी है। एक ओर भूपेंद्र हुड्डा कमान संभाले हुए हैं, दूसरी ओर भाजपा ने माइक्रो मैनेजमेंट के तहत आम आदमी तक पहुंच बनाने का काम शुरू कर दिया है। यह भी लगभग तय माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस की ओर से बीवी बत्रा और भाजपा की ओर से मनीष ग्रोवर ही दावेदार होंगे। पुराने पहलवान, पुराना मैदान और वही पुराना दंगल होगा। देखना यह होगा कि बाजी कौन मारता है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर प्रोग्राम अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।